हमने तो गुजारा, हम गुजार रहे हैं, शायद और भी कुर्बानी दें, शायद आज यहाँ खड़े हैं तो शायद कल ना हो, तो वो भी जरा इन चीजों के लिए अपने को तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने शायद कफन अभी तक खरीदा नहीं है, हमने कफन सरों पे बांध लिया है, हमने अपने सरों पे कफन बांधा हुआ है, हमने हमेशा हक के लिए सर पे कफन बांधा है, हमने पाकिस्तान के लिए सर पे कफन बांधा हुआ है, अब वो भी जरा सरों पे कफन बांध लें। ये पाकिस्तान फकत कुछ लोगों का नहीं है, यह पाकिस्तान किसी की बाप का मिराज नहीं है, यह 30 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के लिए सबने कुर्बानी दिया है, इस पाकिस्तान के लिए मैंने भी कुर्बानी दिया है, इस पाकिस्तान के लिए आपने भी कुर्बानी दिया है। कुर्बानी में फर्क है, कोई बिना गर्ज और लालच कुर्बानी देता है और कोई कुछ दे के कुर्बानी देता है। और बाखुदा मैं आज हल्फन कह रहा हूं, बावजू कह रहा हूं कि मैं या मेरे बाजू यहां जितने बैठे हैं, हम न कभी बिके हैं न बिकेंगे, न किसी से कुछ लिया है न कुछ लेंगे। हाँ, कोई हमें इज्जत देगा हम इज्जत देंगे, इज्जत देगा तो इज्जत देंगे, गोली मारेगा तो फूल हम भी नहीं फेंकेंगे। हम इंशाल्लाह अपने मुल्क अपने कौम के साथ वफादार हैं और जब तक जिंदा हैं इस मुल्क के साथ वफादारी करेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सबसे पहले बलूचिस्तान मुत्तहिदा महाज के प्लेटफॉर्म पर कौमी तराना बजाया गया, उसके बाद दूसरों ने बजाना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के तारीख में 500 मीटर का झंडा आज तक किसी ने नहीं लहराया, बलूचिस्तान मुत्तहिद महाज के गैरतमंद बाजियों ने लहराया। मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं। कभी मस्तुंग में 14 अगस्त का जुलूस कभी नहीं निकला, मस्तुंग में बलूचिस्तान मुत्तहिद महाज और मेरे मुख्तलिफ अकवाम के भाइयों ने 14 अगस्त का जुलूस निकला।